तो भैया Xiaomi का Redmi Note 5 और Xiaomi का Redmi Note 5 Pro ये दोनों ही फोन्स आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों ही फोन्स का, क्या क्या कंपैरिजन आपको इन फोन में मिलने वाले हैं, क्या क्या प्राइस का कंपैरिजन है, क्या क्या कैमरा का कंपैरिजन है, सारी चीजें क्लियर करके दूंगा। और ये जो दोनों फोन्स हैं ये कल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन लॉन्च होने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं आपको सबसे पहले बनाकर दे रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर करके दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अभी रुको रुको, अगर आप इन दोनों फोन्स को लेने की सोच रहे हो, कोई सा भी फोन लेने की सोच रहे हो इन दोनों फोन्स में से, तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वरना आप बाद में मुझे मत बोलना कि भाई तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वरना आप बाद में पछताओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो, कहीं पर भी मत जाओ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया आप ध्यान से सुनो, दिमाग खोल कर सुनो, अच्छे से सुनो। तो भाई देखो, Xiaomi का जो Redmi Note 5 है और Xiaomi का जो Redmi Note 5 Pro है, इन दोनों ही फोन्स में आपको दो दो अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे। Xiaomi का जो Redmi Note 5 है, इसमें आपको पहला वेरिएंट मिलेगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला, और दूसरा वेरिएंट मिलेगा आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और ये दोनों वेरिएंट सेम वैसे ही आपको Redmi Note 5 Pro में मिलेंगे, 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। और अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इन दोनों फोन में से क्या क्या चीजें कंपैरिजन करती हैं, क्या क्या चीजें अलग करती हैं। तो देखो भाई, स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर दिया गया है Xiaomi के Redmi Note 5 में, और Xiaomi के Redmi Note 5 Pro के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर दिया गया, थोड़ा सा प्रोसेसर ज्यादा दिया गया। और हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन चीज, अब इन दोनों फोन्स में आपको कैमरा भी अलग दिया गया है। Xiaomi के Redmi Note 5 के अंदर आपको फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का, और बैक कैमरा पता कितना है, बैक कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। और अभी रुको रुको, अब तो ओप्पो वीवो की ऐसी तैसी होने वाली है। Xiaomi का जो Redmi 5 Pro है जो कि आने वाला है, उसका फ्रंट कैमरा पता कितना है, 20 मेगापिक्सल, बैक कैमरा पता कितना है, 8 मेगापिक्सल। और हाँ, ये जो फोन्स है दोनों बहुत ही बढ़िया फोन आने वाले हैं। आप Oppo Vivo को छोड़ के कैमरा का फोन लेना चाहते हो तो Xiaomi का Redmi Note 5 Pro सबसे बढ़िया फोन होने वाला है। Oppo Vivo को तो फुल टू फुल टक्कर देने वाला है। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, बाकी सारी चीजें इन दोनों में सेम है, बैटरी भी सेम है, रैम भी सेम है, सारी चीजें सेम है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अलग है और कैमरा अलग है, बाकी फुल टू फुल ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो भाई मैं आपको यही बताना चाहता कि आप इन दोनों फोन में से कोई सा भी फोन लेने की सोच रहे हो तो पहले Xiaomi का Redmi Note 5 Pro ही लेना, क्योंकि बात थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन उसमें आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे, अच्छा कैमरा मिलेगा और अच्छा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी मिल जाएगा। और हाँ यार, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। चलो यार, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है, और यार अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और रुको रुको, हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो नीचे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट और ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।